जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 17 दे रखा है ना, इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ज़्यादातर हम उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहे हैं पहले जिनमें आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी 7th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे इसमें सेवन क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू वन माइनस रूट एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप समझोगे इसमें पी की जो वैल्यू है वो है वन अपॉन वन माइनस एक्स रूट एक्स, और यहाँ जो क्यू की वैल्यू है वो रहेगी अपने पास वन माइनस रूट एक्स, पी क्यू की वैल्यू हो गई। तो आपको पता है हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो पी की वैल्यू है ये वन अपॉन वन माइनस एक्स रूट एक्स साथ में डी एक्स। अब देखिए यहाँ जो ई टू दी पावर, आप चाहो तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है, आपको क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, दो तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दो तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक तो क्या है रूट एक्स छोटी मान लो, और एक क्या है एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा मान के कर दो। तो हम क्या है रूट एक्स छोटी मान रहे हैं, माना रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो आप देखोगे इसको ये बनेगा यहाँ से वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप इसमें वैल्यू रखोगे ई टू दी पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स को लिखोगे वन अपॉन रूट एक्स है ना, वन अपॉन रूट एक्स यानी डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। तो ऊपर तो बन गया टू डी टी, और यहाँ बनेगा वन माइनस रूट एक्स की जगह टी लिखोगे तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बनेगा, यानी ये रहा वन ई ई टू द पावर टू, और टू बाहर किया तो ये बना डी टी अपॉन वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं आप टू लॉग, एक फॉर्मूला होता है ना जैसा कि आपको पता हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बनता है। तो इसमें वन अपॉन टू ए तो इसमें वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू वन रखेंगे यहाँ लॉग ए प्लस एक्स है ना, तो ए की वैल्यू वन, वन प्लस टी एक्स की वैल्यू क्या टी है अपॉन में वन माइनस टी, तो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ई से लॉग हट जाएगा, और ई से जैसे ही लॉग हटेगा तो ये बनेगा यहाँ वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी, वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी। टी की वैल्यू आप रख सकते हो, टी की जो वैल्यू है ना अपने पास टी इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स पुट कर सकते हैं यहाँ। इम्प्लाइज इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू वन प्लस टी टी यानी रूट एक्स अपॉन वन माइनस टी यानी रूट एक्स। अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला होता है आई एफ इंटू में वाई इक्वल टू आई एफ इंटू में क्यू एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला बनता है।
आई एम यानी इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू है ना वो है अपने पास अभी अभी निकाली ना हमने, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इन टू में वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी आई एफ की वैल्यू रखोगे 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इन टू में क्यू एक्स की वैल्यू है, देखिए आप अपने पास 1 माइनस रूट एक्स है क्यू एक्स की वैल्यू, साथ में डी एक्स 1 माइनस रूट एक्स से 1 माइनस रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो वैल्यू बनी वो है 1 प्लस रूट एक्स साथ में डी एक्स, आप 1 का अगर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का होगा डी एक्स यानी डी 1 dx का होगा, x x की पावर 1/2 का करोगे तो x की पावर 3/2 होगा, 3/2 को यहाँ लिखोगे तो 2/3 होगा प्लस का कॉन्स्टेंट c, तो यानी ये बना 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इन टू में बाई। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताओ। आईएफ क्या है सर बताना, थोड़ा लेट ज्वाइन की क्लास। चलो ठीक है अभी बताते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, आईएफ के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। आप सभी स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए आई एफ के बारे में, जैसा कि आप कह रहे थे कि आई एफ तो यहाँ जो पी की वैल्यू है वो ये है और क्यू की वैल्यू अपने पास 1 माइनस रूट एक्स है, आई एफ लिखोगे तो ये तो भी पावर 3 dx होता है, 3 dx तो पी की वैल्यू देखिए आप क्या करोगे, यहाँ ये जो रूट एक्स है ना इसे रूट एक्स को टी मान लिया तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x dx होगा जो कि डी टी बनेगा, तो आप क्या करोगे यहाँ डी एक्स की वैल्यू निकालें, यानी डी एक्स अपॉन रूट एक्स है ना, डी एक्स अपॉन रूट एक्स है इसकी वैल्यू रखोगे तो 2 dt बनेगी, तो यहाँ 2 dt लिख दिया और 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से टी स्क्वायर बनेगी ना, टी स्क्वायर लिख दिया, तो अब एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 log a + x अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 को बाहर कर दिया है तो आप लिख सकते हो 2 तो ये वाला है और ये 1/2 a, a की वैल्यू 1 है और लॉग यहाँ 1 + t / 1 - t बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1 लिखो ई, ये 2 से 2 कैंसिल, ई लॉग कैंसिल, 1 + t / 1 - t बना, t की वैल्यू यहाँ से रख दो रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दिया, वो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें अभी आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है इसमें प्रॉब्लम नंबर 6 के बारे में डिस्कस करें हम। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें dy/dx + 4x/x² + 1 = 1/x² + 1 इसका होल क्यूब, तो आप इसमें p और q हैं इनकी वैल्यू सेलेक्ट करें, तो देखेंगे आप p = 4x/x² + 1 q = 1/x² + 1 का होल क्यूब, पी क्यू की वैल्यू हो गई और आप देखोगे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते तो यहाँ पी डी एक्स होता है ना, e टू दी पावर पी, पी की वैल्यू है यहाँ 4x/x² + 1 साथ में डी एक्स, e टू दी पावर 4 में से 2 बाहर किया तो 2x/x² + 1 डी एक्स, तो आप देखोगे यहाँ नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है ना e टू दी पावर 2 और ये नीचे का अगर अवकलन ऊपर मिल जाए तो इसको लॉग में लिखेंगे, लॉग x² + 1
ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो ये बनेगा ई टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ई लॉग कैंसिल, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो ये तो रहा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, जैसा कि आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला होता है आई एफ इंटू वाई इक्वल टू आई एफ इंटू यानी इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में क्यू एक्स डी एक्स। तो आप इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एस को लिखोगे, साथ में वाई इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, और जो क्यू एक्स की वैल्यू है अपने पास वो है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब साथ में डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट सी, यानी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो टेन इनवर्स एक्स होता है। तो ये किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा? तो स्टूडेंट इसी के साथ में हम कुछ और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और इसमें जैसा कि आपके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, स्टूडेंट्स आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करें जो कि 2007 राजस्थान में पूछा गया है। फर्स्ट ये है यहाँ एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखेंगे इसमें ये है यहाँ डी वाई, आप देखिए इसमें यहाँ अगर डी एक्स है या तो आप इनको ट्रांसफर करो, अदरवाइज आप इसमें डिवाइड कीजिए एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, डी एक्स से डिवाइड किया तो ये रहेगा टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। इसको आप लिख सकते हो इम्प्लाइड एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई बाहर किया इक्वल टू में ए एक्स क्यूब को हम राइट साइड में ले गए, यह बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, इसे डिवाइड करेंगे एक्स इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन, देखिए आप एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा ये वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके अब आप क्या करोगे इसमें कि अब आप इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, और इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए आपको पता है ये पी की वैल्यू है। अब आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स लोगे कम में। तो आप देखेंगे कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ना तो ये बनेगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन में, यानी दो घात का है ना ये, तो इसको बी एक्स प्लस सी अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो आप इसकी वैल्यू निकालें, आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये लिखोगे टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिखा है ना इतना, तो सीधे ही लिखें टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, यानी ये टर्म है ना इसको इतना लिखा है, तो एलसीएम लोगे तो ये कट जाएगा
ऊपर जो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसमें ए से ए का मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस बी का जो मल्टीप्लाई, देखिए एक्स का मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस सी से, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बनेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। आप इसमें कंपेरिजन करोगे कॉप्सेंट का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉप्सेंट देखिए, पहले तो आप कॉन्स्टेंट की बात करें, माइनस वन है कॉन्स्टेंट और यहाँ कॉन्स्टेंट बनेगा ए, यानी ए की वैल्यू हो गई अपने पास माइनस वन। एक्स स्क्वायर के कॉप्सेंट के बारे में डिस्कस करें तो एक्स स्क्वायर का कॉप्सेंट टू है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉप्सेंट माइनस ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉप्सेंट प्लस बी। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ए की वैल्यू अगर माइनस वन रखें तो माइनस माइनस प्लस वन होगा, टू माइनस वन करोगे तो वन रहेगा बी, यानी बी इक्वल टू वन, बी की वैल्यू वन हो गई। आप इधर एक्स का कॉप्सेंट देखें तो एक्स का कॉप्सेंट है ही नहीं तो जीरो मानोगे, इधर एक्स का कॉप्सेंट यहाँ भी नहीं तो सी है, तो यानी सी की वैल्यू क्या है, जीरो रही। अगर हम यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स, तो ए यानी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू है, तो बी की जो वैल्यू है वो है अपने पास वन और सी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ वन रखेंगे ना तो वन एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये साथ में डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आप देखोगे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, अगर माइनस टू ऊपर होता तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता, तो माइनस टू से ऊपर और माइनस टू से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बनेगा ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, ये बन गया ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स और ये यहाँ आएगा प्लस। अब जैसा कि बताया नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले इसके लिए माइनस टू से मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा माइनस टू से नीचे, यानी ये बनेगा माइनस वन बाई टू लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन लें तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, अच्छा इसको भी माइनस का लॉग वन बाई टू को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, लेकिन माइनस को कॉमन लें तो ये बनेगा प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस का लॉग एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ ई टू दी पावर ये जो माइनस है ना इसको ऊपर ले जा सकते हैं और ये बनेगा लॉग एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस वन, तो ई से लॉग कैंसिल हो गया तो ये बना एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, जिसको कि आप लिख सकते हो वन अपॉन एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बनी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू है अपने पास आई एफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट लो इसका, अभी ये इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकली है। स्क्रीनशॉट में आप सभी इसका तो देखोगे आप इसमें आगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आप इसमें, तो जैसा कि आपको बताया है फॉर्मूला आई एफ इंटू में पाई इक्वल टू आई एफ इंटू में क्यू एच डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी। तो आई एफ की वैल्यू देखो बाई टू ये है और आई एफ की वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई एफ की वैल्यू है यहाँ वन अपॉन एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू क्यू एक्स की वैल्यू है अपने पास यहाँ, जो क्यू एक्स की वैल्यू है ना आप देखोगे क्यू एक्स की वैल्यू है ये ए एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स देखेंगे एक एक्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साथ में डी एक्स है प्लस का कॉन्स्टेंट सी। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी आपकी
इम्प्लाइज वाई अपॉन में एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर रहेगा ए एक्स तो ए एक्स और नीचे आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है तो इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं, साथ में डी एक्स प्लस सी। आप इसमें कुछ मान लीजिए, माना वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, टू कैंसिल करें तो यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू राइट साइड में पहुँचाएँ तो माइनस टी डी टी, यह हो जाएगा यहाँ ए एक्स डी एक्स की जगह लिखोगे यहाँ माइनस का टी डी टी अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप टी स्क्वायर लिखेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी थ्री बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, आप ए को बाहर निकालें, देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल टी क्यू बनेगा, एक टी कैंसिल होगा तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर रहेगा साथ में डी टी, तो आप लिख सकते हो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर का होगा ए बाई टी प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ आप टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू है अपनी बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो ए अपॉन टी, टी की वैल्यू आप लिख सकते हो वहाँ से, टी की वैल्यू निकालोगे तो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके बाई की वैल्यू निकालोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए एक्स बना प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे सी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।